हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस खूबसूरत सा प्लांट के बारे में बातचीत करने वाले हैं वो है पॉइनसेटिया। इसको कोई कोई जो है क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट का जिसने खोज करके निकाले थे वो है मेक्सिको के रहने वाले बहुत ही जानी मानी व्यक्ति हैं। उसका नाम है जुएल रॉबर्ट पॉइनसेट। इन्हीं का नाम से जो है इस प्लांट का नाम पॉइनसेटिया पड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का एक जो है अद्भुत सा एक फितरत होते हैं, वो होते हैं विंटर आते ही, दिसंबर महीने आते ही इसका जो है पूरा हरी पत्तियां जो इसका कलरफुल हो जाते हैं। उसके बाद जो है जनवरी फरवरी का अंत तक जो है इसका पत्ती का कलर जो है कलरफुल ही रहते हैं, लेकिन वापस जब बरसात चालू होते हैं तब फिर इसका पत्तियाँ जो है हरे हो जाते हैं। ये अद्भुत सा इस फितरत है इस प्लांट में। और फ्रेंड्स, और सारी इस प्लांट के बारे में जो और सारी बातें आज जानकारी करेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहे। मैं हूँ गोपा और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस प्लांट जो है ये जो है पॉइनसेटिया प्लांट है, और इसका बहुत सारा जो है कलर वेराइटी आ जाते हैं। रेड है, पिंक है, क्रीम कलर के आते हैं, तीन चार कलर का वेराइटी इसमें आ जाते हैं। और इसका जो है प्लांट का वैरायटी ये दो किस्म का आते हैं, एक होते हैं देसी और एक होते हैं हाइब्रिड। मेरे पास जो ये प्लांट है ये है देसी वैरायटी। इसका पत्तियाँ थोड़ा छोटे होते हैं और पत्तियाँ थोड़ा सीधे बन के रहते हैं, लेकिन हाइब्रिड का जो होते हैं प्लांट उसका पत्तियाँ और ज़्यादा बड़े होते हैं और पत्तियाँ थोड़ा झुके झुके रहते हैं। तो ये पहचान होती है देसी और हाइब्रिड वैरायटी का। अगर बात कर लेते इस प्लांट का फ्रेंड्स केयर के बारे में, तो फ्रेंड्स अगर ग्रो करने का बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये प्लांट जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप अगर एक प्लांट अगर घर में लेके आते हैं एक सीजन में, उसके बाद आप इससे जो है बहुत सारा प्लांट अपना गार्डन में बना ले सकते हैं और अपना दोस्तों को भी जो है ये प्लांट को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गार्डनर शेयर करते रहते हैं प्लांट्स का, तो आप काफ़ी सारा प्लांट जो है अपना गार्डनर दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। तो बरसात के टाइम में इसका जो है कटिंग बहुत अच्छा से जो ग्रो हो जाते हैं। आप कटिंग्स छोटे छोटे कटिंग्स ले लीजिए और बरसात के सीजन में बस थोड़ा सा सैंड भी लगा दीजिए, तो ये जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर बात करते हैं इस प्लांट का फ्रेंड्स सनलाइट के बारे में, सनलाइट इस प्लांट के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और सनलाइट का इसका जो है कितना चाहिए होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है बहुत अधिक सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बहुत अधिक सनलाइट में इसका जो है पत्तियाँ जो है अच्छी तरह से जो है लाल नहीं हो पाते हैं। ये जो है फ्रेंड्स, ये मेरा अनुभव है गार्डनिंग का, कि मैं जो कुछ सालों से जो गार्डनिंग कर रही हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ जो इस प्लांट अगर ज़्यादा धूप में अगर रखते हैं तो ये इसका जो है पत्तियाँ तो थोड़ा सा जो है कलरफुल होने में थोड़े लेट लग जाते हैं। अगर ये अगर मान लीजिए कि सुबह का बस एक घंटा धूप लगे तो फिर इसका जो है बहुत अच्छा से इसका पत्तियों में जो है कलर निकल के आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आपका प्लांट को गार्डन का ऐसा जगह में रखने के लिए जहाँ सुबह का बस एक घंटा धूप लगे, यही जो है इस प्लांट के लिए काफ़ी होते हैं। और एक बात है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, ये है रात के टाइम में भी इसको कुछ जो है खास केयर का जरूरी होता है। जैसे कोई कोई फ्रेंड्स जो है टेरेस गार्डन में जो है गार्डन करते हैं, तो आप अगर छत पर अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो रोड का जो है लाइन जो आते हैं तो उससे आपको इस प्लांट को बचा लेना है। कैसे बचा लेना है, जैसे आपका रोड साइड में अगर आपका घर है तो आपका रोड का लाइट अगर इस प्लांट पे पड़ रहा हो तो आप एक पर्दे का इंतजाम जरूर कर दीजिए अपना इस प्लांट के लिए, ताकि रोड का रोशनी जो है लाइट का रोशनी जो है आपका प्लांट पे ना पड़ सके। और इस प्लांट को ना थोड़ा अंधेरा टाइप का जगह तो पसंद होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप सोचेंगे कि आप घर के अंदर ही रख दें तो ऐसा फिर अच्छा नहीं होगा इस प्लांट के लिए। जैसे कि आप जो है बैल्कोनी में रखिए, चाहे जैसे आपको बोले हैं कि बस डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, बस इनडायरेक्ट सनलाइट लगे ऐसा जगह पे आप इस प्लांट को रखें तो इस प्लांट के लिए बहुत जो है अच्छा होते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स सनलाइट के बाद। आगे बात करते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्लांट को खास कोई फर्टिलाइज़र का जरूरी नहीं है। आप सभी प्लांट को जब कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे होंगे तो इस प्लांट को भी थोड़ा सा दे दें,
बस 15 दिन में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे दे, सरसों का खली वाला हो चाहे काउडंग कंपोस्ट वाला हो, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे दे, यही जो है इस प्लांट के लिए काफ़ी होते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट पे तो जो है फूल तो आते नहीं है, बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन इसका पत्ते जो है देखने लायक होते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट के लिए और एक बात है इंपॉर्टेंट बात शेयर करना है, इस प्लांट का जुड़े आप कोई भी काम करेंगे तो आप देखेंगे, आप मान लीजिए इस प्लांट के काम कर रहे हैं, पत्तियाँ वगैरह आपका टूट रहा है, तो देखिए जैसे ही पत्तियाँ टूटते हैं तो इसमें से जो है देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो है दूध जैसा एक पदार्थ निकलते हैं जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। तो आप इस प्लांट को जो है, इस प्लांट से जुड़े कोई भी आप काम करें तुरंत अपना हाथ बहुत अच्छे तरह से वॉश कर लें। और फ्रेंड्स, कोशिश करें कि इस प्लांट को जो है बच्चों से दूर रखने के लिए तो अच्छे होंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस प्लांट पे जो सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलते हैं ये जो जहरीले होते हैं। और फ्रेंड्स, बात करेंगे इस प्लांट के कीड़े मकोड़े के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्लांट भी खास कोई कीड़े मकोड़े के अटैक होते नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा बहुत नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, ना भी करें तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।